तो हम सीधे बोल दिया कि डकैत हो गया, मेरा घर में चोरी हो गया। मेरा बीबी आया तैसे हम पूरा रोने लग गया कि मेरा सब डकैती करके लूट के ले गया। चाकू लेके गर्दन दबा दे चाहे चाबी देने तो सबके छुरा भूत दे। हम के बचले भूत दे। सहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में बीते रात अज्ञात चोरों ने चार घर को निशाना बनाकर लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें दो घरों में गृह स्वामी के जगने के कारण प्रयास असफल रहा, जबकि दो घरों से लाखों मूल्य के आभूषण और नगद की चोरी कर ली गई। सबसे पहले चोरी की घटना गणेश मंडल के घर में हुई, जहां से दो घरों में रखे गोदरेज और पेटी बक्सा को तोड़कर चार भर सोना का आभूषण, 150 भर चांदी और 2.5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गया। गृह स्वामी जब जगे तो देखा कि घर में चोरी हो चुकी है। चोर घर में छत के रास्ते प्रवेश किया और जिस घर में चोरी की गई उसमें कोई नहीं था। बगल के कमरा में गृह स्वामी सो रहे थे और चोरी की भनक तक नहीं लगी। वही दूसरी घटना गांव के ही राजू मुखिया के घर में हुई, जहां दो बच्चों के साथ सो रहे उसकी पत्नी मालती देवी को बंधक बनाकर कपड़ा से मुंह ढक लिया, फिर गर्दन पर चाकू लगाकर पेटी बक्सा का चाबी लिया। इस दौरान जब डर के मारे 1-2 साल की बच्ची रोने लगी तो उसके साथ मारपीट किया और घर में रखे 2 भर सोना का आभूषण, 50 भर चांदी और 50,000 नगद रुपए लेकर फरार हो गया। इस तरह चोर सुनील कामत के घर में घुसा और उसकी पत्नी नीलम देवी को बंधक बनाने का प्रयास किया, लेकिन महिला बहादुर से डटकर मुकाबला की और शोर करने लगी, जिसके बाद चोर बिना चोरी किए ही फरार हो गया। पुनः पवन मंडल के घर में घुसा, सभी घर का कुंडी बाहर से लगा दिया, लेकिन जगा रहे पवन मंडल ने चोर चोर शोर मचाने लगा, जिसके बाद वहां से भी बिना चोरी किए चोर को भाग गए। उधर गश्त कर रही पुलिस के द्वारा सलेमपुर चौक से 3 संदिग्ध युवक को भी पकड़ कर हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही सहरघाट ASI अनिल सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच में जुट गए। स्थानीय मुखिया अनुरुद्ध राय, सरपंच अजय वर्मा, पूर्व सरपंच राम सरोवर राय भी पहुंचकर पीड़ित परिजन से मिलकर घटना की जानकारी ली। इन लोगों ने कहा कि बढ़ रहे चोरी की वारदात से लोग भयभीत हैं, पुलिस को गश्त बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग ग्रामीण स्तर पर बैठक कर रात्रि गश्ती की रणनीति बनाकर सुरक्षा करेंगे। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही, जल्द ही चोरों को पुलिस पकड़ कर जेल भेजेगी। यहाँ के कखन पता चला कि यहाँ के घर में चोरी हो गई? हमको 5 बजे सुबह हम उठे हैं, तो हम अपना रूम से निकल गए हैं, ये मेरा भाई का रूम है। तो सुबह 5 बजे उठे तो मेरा बीबी गया बाहर, गेट खोल के वो बाहर वाला, और हम स्नान करके जैसे गोसाई घर में घुसे हैं मेरा पिताजी का घर में, उसमें देखे हैं झोरा झंडा फेंका हुआ। जब नजर पड़ा मेरा बक्सा उक्सा पर, तो हम सीधे बोल दिया कि डकैत हो गया, मेरा घर में चोरी हो गया। मेरा बीबी आया देखने, हम फट से उस घर को छोड़ के इस घर में आया है कि मेरा ये घर तो सेफ है कि नहीं। जैसे ये घर में आया तैसे हम पूरा रोने लग गया कि मेरा सब डकैती करके लूट के ले गया आज। अच्छा, मतलब आप लोग रात में पता नहीं चला? थोड़ा भी भनक नहीं गया, मेरा दोनों भाई है, मेरा भाबो है, बीबी है, हम लोग का थोड़ा। अच्छा, ये जो कान में आवाज नहीं गया, ये जो दोनों रूम से ले गया सामान, इस रूम में कोई नहीं सोया था? कोई नहीं था, नहीं था। अच्छा, तो सुबह में आप लोगों को पता चला? सुबह 5 बजे हमको पता चला है कि मेरा घर में चोरी। अच्छा, आपके मेन दरवाजे से भी चोर अंदर नहीं आया? मेन दरवाजा जैसे हम रात को बंद करता है वैसे मेरा मेन दरवाजा बंद है। आपको छत के से? मेरा ज्यादा डाउट है कि मेरा छत का ऊपर से आया है। अच्छा, क्या सब कितना मूल्य का सामान चोरी हो गया? मूल्य यही होगा 3-4 भर सोना था, वो था मेरा पिताजी का 2-2.5 लाख रुपया था, जो 1-2 भर 3 भर जो भी थोड़ा मोड़ा मेरा मम्मी का गहना था वो मेरा लेके चला गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा गणेश मंडल। पिताजी का नाम? राम सेवक मंडल। अच्छा, क्या बजे यानी देखो क्या बजे यहाँ के घर में चोर घुसल? टाइम नहीं देखा लिया। कई आदमी छले? 2 गोरा छले, एक आदमी हमरा लग छले, एक आदमी मई घर में छले। अच्छा, मतलब उम्र में केहन छले, लड़का टाइप के छले कि बुजुर्ग छले, केहन बुझायल? मुंह बांधले छले, खुलल छले? नहीं, मुंह छले खुले, हमरे मुंह छले बांध देने को। अच्छा, अहाँ के मुंह बांध देले छले? कथि सब लग गेल? मंगल सूत्र छले, 4 गो पायल, 1 गो डरका, से 1 गो हनुमान, 2 गो नाक। अच्छा, मतलब सोना कत्ते होत कुल मिलाकर?
आठ आना के हलमानी छे आठ आना के सोना मंगल सोना तीन गो नाक में के छे एक एक एगो एक आना एगो दू आना छे। अच्छा आ सब सामान ला लेला के फिर वो सब निकल गेल? हां आइ में है निकल गेल। अच्छा ई पाछू तक निकलल? हां। अच्छा की नाम है आके? मालती देवी। आ पति के नाम? राजू। अहाँ के ठाम कखन चोराल छल? एक बजे में। हाँ तब तो की मतलब केना प्रवेश केलक घर में अहाँ कतय छलिए? सुतल छलिए। सुतल छलिए तो दुनू बिछाना पर गेलिए तो गट्टा ओकर हम पकड़ि लेलिए, गट्टा पकड़ि लेलिए तो झिझिरलकै हमरा कण्ठ दबाबै लगलकै, चिल्लाए लगलिए तो चिल्लाए लगलिए तो अपने निकलि गेलै रूम से। अच्छा निकलि गेल रूम के। चिन्हलिए अहाँ कि कुछ चेहरा उहरा कुछ याद? अंधेरा छलै। लाइट कटि गेल छलै। अच्छा लाइट कटल छलै ओ टाइम में? अहाँ के ओठाम से लॉ नहीं कुछ हो गया? नहीं कुछ नहीं लॉ। अहाँ जाए गए हल्ला करे लगे तो भाग गए? कई आदमी छल? हाँ एक आदमी के देख लिए। की नाम है यहाँ के? पति के? वैकेसी लगल है यहीं पर, ये सुते बिचला में वही है कमी समय में यहाँ पर उस बाइक के पास वो खड़ा है। ऐसी उठ के हम कह लिए सला चोर लगता है रे, ऐसी कर लिए वो हाफ पैंट पहनने है और वो टोपी वाला जैकेट पहनने है। उसके बाद उस छत पर ये अब सिंगल हम छी वो अभी फिलहाल सिंगले छ, हमारा तो कुछ डर जरूर भ गया सला कुछ हाथ हथियार ये सब लग के चले चाकू है कुछ है। एक रूम जो खुलल रहते ना एक बाहर से ही लॉक कर देने हम वही पर ध्यान नहीं दिल्ली, अगर इहो डायरेक्ट उठे तो धर ली छे लेकिन एकर ये अंदर से खोले या बाहर से कहीं पता खुलबे नहीं करी तब तो देखली ध्यान दके तो कुंडी लागल है। जैसे निकलली दोनों बाबेटा छत पर गली तब तक वो था पता नहीं, दो मिनट के आवाज से फिर बाइक की आवाज सुनाई दे 12:20 बाइक की आवाज सुन लिए तो ये सब निकल चौक तरफ आवाज जो बुझाए चौक तरफ निकल तो अदयो के फोन के स्विच ऑफ रहे अगरों फोन के स्विच ऑफ तो एक भरत के और कुलदीप के फोन कली दोनों से बात भले ना बात है। इसके बाद मुखिया जी आपके यहाँ जो जिस तरह से आज रात में चोरी की वारदात हुई है क्या लग रहा है कि इसमें लोग कितना सुरक्षित है आपके पंचायत के? देखिए जिस ढंग से घटना बढ़ रही है इसमें सुरक्षित कोई नहीं है कि हमेशा आज यहाँ हुआ कल सारघाट हुआ कल आबारी हुआ तो कल मुखियापट्टी हुआ तो कभी सलेमपुर पंचायत में हुआ सलेमपुर गाँव में हुआ। रात में भी देखा जाए कि रात में तकरीबन 12:20 पवन एक मंडल है उनके घर में प्रवेश किया और वहाँ से फिर भागा तो फिर क्या कहते हैं कि महेंद्र कमती जी का लड़का उनके घर में घुसा उनका फैमिली जग गया। उसके बाद में क्या नाम है इनका राजू मुखिया के घर में हुआ, उसके बाद में आपको रामसेवक मंडल के घर में हुआ, रामसेवक जी के घर में बहुत ज़्यादा क्षति है और ये मुखिया जी के घर में ज़्यादा क्षति है। उसमें से सामान सब ले गया है, मारपीट भी किया है बच्चे सबको, बहुत दर्दनीय घटना है। और हमको मालूम चला थाना प्रभारी नए आए हैं वो हमको फ़ोन किए मुखिया जी आपके यहाँ कोई डकैती हो गया चोरी हो गया है, तो सर हमको तो मालूम नहीं है। तब मैंने अपने उप मुखिया को फ़ोन किया अनिल जी को कि ऐसी चोरी बात है कि आपके वहाँ डकैती हुआ है क्या, तो सर ने 5-6 जगह चोरी भी लिया और 2-3 को लड़का इसमें पकड़ाया हुआ है। हम बोले कि कैसा लड़का है संदिग्ध स्थिति में पुलिस उसको उठा के ले गई हुई है, अभी पता नहीं चला कि वो क्या है नहीं है क्या है नहीं है। सरपंच साहब आप ये बताइए कि जब घटना हुई इसके बाद पुलिस कब पहुंची है यहाँ? सबसे पहले विक्रम जी आप पहले पत्रकार हैं जो इस घटना को कवर करने के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 जिसके यहाँ सबसे पहले चोर गया वो हमारे मोबाइल पर फ़ोन किए हुए थे लेकिन क्योंकि हम 12 के बाद सोने गए थे तो नहीं जान सके उस समय पवन मंडल के यहाँ, तो वहाँ जो है उसके घर का बाहर से ही 2-4 घर का रूम का गेट लगा के वहाँ लोग जग गए, वहाँ असफल हुआ। उसके बाद शायद हमको लगता है महेंद्र कामती जी के यहाँ सुनील कामती जी के यहाँ आया, यहाँ भी महिला को गर्दन उर्दन दबा के लेकिन यहाँ महिला ने उनको चावसी देते हैं कि बहादुरी का
परिचय दिया और चिल्ला करके पीछा करके बाहर तक आई, जिससे वो लोग यहाँ से भाग गए। इसके बाद जो है राजू मुखिया के यहाँ जाके उनके यहाँ चित्र घटना हुई है, बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनको बच्चा है उनको मारा गया, उनके घर से काफ़ी गहना जेवरात और एक दिन पहले ही शायद वो बैंक से जो है घर का काम के लिए वो रुपया भी लाए थे वो भी चोरी हो गया। इसके बाद फिर जो है लगभग 80-100 मीटर के दूरी पर जो है राम सेवक मंडल गणेश मंडल उसके यहाँ घटनाएँ हुई, वहाँ भी काफ़ी जो है संपत्ति का नुकसान हुआ है, चोरी हुआ है। और इस तरह से अभी आए दिन हम लोग पेपर और आप लोगों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि जहां तहां इस तरह की घटना हो रही है, लोग बड़ा दहशत में जी रहे हैं, कब किसका सामान या कोई अभी खुद जान भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसे में लोगों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? निश्चित रूप से हम सबसे पहले थाना से भी हम लोग जाके मिलेंगे अभी कि गश्ती हो, पहले गश्ती हुआ करती थी, चौकदार दफदार रहा करते थे तो लोगों में कम भय रहा करता था, और हम लोग उसी के भरोसे अब नहीं रहेंगे। गांव में हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और सभी टोला में एक गश्ती दल बनाकर जो है सुरक्षा को लेकर के अपनी सुरक्षा खुद भी अब करनी होगी, पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते हैं। लगातार जिस तरह से चोरी की वारदात हो रही है, ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे कि लोग किस तरह से सतर्क रहे? आदरणीय मीडिया महोदय जी, आप मेरे पंचायत में खास की घटनाएं होते हुए आप पहुंच गए, इसके लिए आप धन्यवाद हैं। हम तो प्रशासन से पहले आग्रह करेंगे कि प्रशासन कम से कम मेरे पंचायत पर जो है ध्यान दे। जो अभी हमारे पंचायत में 64 घटना एक रात में हुई है, वो तो मान लीजिए आदमी सजग थे, महिला लोग चिल्लाई, जिसके चलते मैंने आतंकवादी यहाँ से भाग निकला, नहीं तो कुछ और घर में वारदात करता। इसलिए हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, और वैसे हम अपने पंचायत में माननीय मुखिया जी से भी कहें और सरपंच साहब से भी कहें, वर्तमान सरपंच साहब से, कि कम से कम गांव में टोला में टीम बना करके कम से कम गश्ती करवाया जाए। दूसरे के भरोसे जीना कठिन है, अब इससे बढ़ के क्या कहेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना